हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे मोलनूपिराविर 200 mg कैप्सूल्स के बारे में, जो कि अभी मैनकाइंड फार्मा ने BDR फार्मा के साथ एक पार्टनरशिप करी है, उसके तहत ये कैप्सूल मार्केट में आएगा। क्योंकि ये अभी करेंटली USFDA ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए इस कैप्सूल को आप यूज़ में ले सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि मोलनूपिराविर कैप्सूल जो है, मोलनूपिराविर जो API है वो कैसे जनरेट हुआ। तो मोलनूपिराविर जो API है, एक ये ब्रांड नेम है लेगीवीरो, उसके नाम से ये मार्केट में बिकता है, ठीक है, अमॉन्ग अदर्स। मतलब ये एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि इनिबिट करता है क्या, RNA वायरस को, ठीक है। RNA वायरस का जो रेप्लिकेशन है उसको ये इनिबिट करता है, रोकता है। और इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट COVID-19 इन दोज इन्फेक्टेड बाय SARS-CoV-2। मतलब ये उसमें यूज होता है जैसे जिसको COVID-19 इन्फेक्टेड हुआ है SARS-CoV-2 वायरस से, ठीक है। मोलनूपिराविर ओरिजिनली डेवलप्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। जो मोलनूपिराविर ड्रग है, ये API जो है, ये ट्रीट करने के लिए काय के लिए यूज होता है, इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कौन सी यूनिवर्सिटी में, एट इमोर्नी यूनिवर्सिटी में, बाय द यूनिवर्सिटी ड्रग इनोवेशन कंपनी, ठीक है। ये उस यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया था ये API, ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद इनने कंपनी ने एक्वायर किया, मिनिमी बेस्ड कंपनी रिचबेक बायोथेरापेटिक्स ने एक्वायर किया। उसके बाद पार्टनरशिप किसने करी, मर्क फार्मास्यूटिकल से इसने पार्टनरशिप करी फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थी मोलनूपिराविर की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब टेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स काउंटरिंग COVID-19 इन इंडिया, ड्रग मेजर मैनकाइंड फार्मा हैज अनाउंस टू लॉन्च ओरल एंटी कोविड पिल मोलू लाइफ, ठीक है। अभी ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, पर कुछ समय बाद ये लॉन्च हो जाएगी, जैसा कि मैनकाइंड फार्मा ने अनाउंस किया है, ठीक है। किसको रोकने के लिए, COVID-19 को रोकने के लिए, ठीक है। मोलनूपिराविर इनिबिट्स वायरल प्रोपोगेशन थ्रू लेथल म्यूटोजेनेसिस, ठीक है। ये इनिबिट करता है वायरल प्रोपोगेशन को इसके थ्रू, लेथल म्यूटोजेनेसिस के थ्रू, बाय इंट्रोड्यूसिंग एरर कैटास्ट्रोफ इन वायरल जीनोम, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस करता है, एरर कैटास्ट्रोफ इन वायरल जीनोम के अंदर, ठीक है। मोलनूपिराविर टारगेट्स द SARS-CoV-2 RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। मोलनूपिराविर मेनली किसको टारगेट करता है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज वायरस को, ठीक है। द सेम वे अदर न्यूक्लियोसाइड अलॉन्ग डू एंड मीडिएट्स रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द कोरोना वायरस जीनोम। अब द रिसेंटली रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ ऑल इनरोल्ड पार्टिसिपेंट शो दैट मोलनूपिराविर रिड्यूस द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ फ्रॉम 9.7% इन द प्लेसिबो ग्रुप 688 बाय 699 टू 6.8% 48 बाय 709 इन द मोलनूपिराविर ग्रुप फॉर एन एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन ऑफ 3.0% एंड रिलेटिव रिस्क रिडक्शन ऑफ 30%। 9 डेथ्स वर रिपोर्टेड इन प्लेसिबो ग्रुप एंड 1 इन द मोलनूपिराविर ग्रुप, ठीक है। अब एक स्टडी हुई है इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें कि 1433 पार्टिसिपेंट्स का यूज किया गया है हॉस्पिटल के अंदर। स्टडी हुई है ये, जिसके अंदर एक प्लेसिबो ग्रुप लिया है और एक मोलनूपिराविर ग्रुप लिया है। प्लेसिबो ग्रुप में देखा गया है कि जो डेथ का रिडक्शन है वो 30% रिड्यूस हुआ है और उसके अंदर 9 डेथ हुई है, ठीक है। बाकी अपना जो मोलनूपिराविर का जो ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ एक ही डेथ हुई है, ये एक स्टडी की गई है, ठीक है। द ड्रग इज ऑल्सो बींग इवेल्यूटेड फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस इन MOVE अहेड अ ग्लोबल मल्टी सेंटर रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड Phase 3 स्टडी विच इज इवेल्यूटिंग द efficacy एंड सेफ्टी ऑफ मोलनूपिराविर इन द प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19 विथ हाउसहोल्ड, ठीक है। तो ये था, ये एक USFDA ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके बाद DGCI ने इसके ऊपर स्टडी करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।